नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और हाजिर हूँ आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव लर्निंग पे एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन आज का टॉपिक है व्हाट इज हैप्पीनेस, ये खुशी क्या है, कभी खुशी कभी गम, ये खुशी है क्या? खुशियाँ ही खुशियाँ, लेकिन क्या करूँ जो मैं खुश रहूँ, कैसे खुश रहूँ? तो चलो समझते हैं। लेकिन तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भूलना ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसी के थ्रू मुझे पता लगेगा कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही, या फिर आप किस टॉपिक के बारे में वीडियोज़ देखना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना। हैप्पीनेस की डेफिनेशन है कि इट इज़ एन इमोशनल स्टेट करेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ जॉय, सेटिस्फेक्शन या फिर पॉजिटिविटी। सिंपल टर्म्स में कहें तो लाइफ में पॉजिटिविटी ही खुशी है, लेकिन शायद असली में हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन नहीं। इसे तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, अपने अंदर महसूस कर सकते हैं जब भी हम खुश हों। लेकिन चिंता का मुद्दा दोस्तों ये तब बनता है जब इंडिया का रैंक 139th आया आउट ऑफ 149 कंट्रीज, यानी कि इंडिया बिल्कुल नीचे है हैप्पीनेस में, खुशियों में। मतलब कि इंडियंस परेशान रहते हैं, सैड हैं, और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसका भी रैंक 105 है, हमसे बहुत ऊपर। और सबसे टॉप पर हैं यूरोप की कंट्रीज़, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड। पता नहीं यार ये यूरोप वाले इतनी खुशियां कहाँ से लाते हैं, या तो बैंड बजी पड़ी है। जब मैं नहीं बनाता वीडियो, जा मैं नहीं बनानी वीडियो। इन्नियाँ खुशियाँ सानू भी दे दो थोड़ियाँ खुशियाँ। तो शायद आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों कि इंडियंस थोड़े ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस दुखी हैं, लेकिन क्या रीजंस हो सकता है इंडियंस के दुखी होने का? बस और नहीं पढ़ सकता मैं, बहुत पढ़ लिया। कैरी बहुत पढ़ लिया तूने, हैं बहुत पढ़ लिया, इतना पढ़ लो चुप करके ऊपर डस्ट आ रहे हैं। उड़ जाओ ओए, गोडे गोडे सवेर चढ़ी पई है, ठंड नहीं आंदे तू ते हुण हैं। ऑन ए सीरियस नोट, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन, सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं जिसकी वजह से सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है और लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो रहे हैं। कंजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बॉम्बे दिल्ली वर्ल्ड की टॉप 10 कंजेस्टेड सिटीज़ में से आते हैं, पूरी दुनिया में से। हेल्थ केयर सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ना, वुमेन सेफ्टी जो कि सबसे टॉप पर है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होना, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस अनहैप्पीनेस के। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न जो अनहैप्पीनेस का है वो है एक रिच और पुअर के बीच में गैप, जो कि बहुत ज़्यादा है अपनी कंट्री में। अपने देश की 1% रिच पॉपुलेशन 4 times ज़्यादा पैसा होल्ड करती है अपने बाकी देश की 70% पॉपुलेशन से, तो बहुत ज़्यादा गैप है रिच और पुअर में अपने देश में। लेकिन इन सब से हटकर दोस्तों और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ग्राउंड लेवल पे इस अनहैप्पीनेस के, जैसे अपने देश में फूड और वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर चुका है, बल्कि 70% फ्रेश वाटर कंटेमिनेट हो चुका है, गंदा हो चुका है। हर साल 200,000 डेथ हो रही हैं सिर्फ इसी रीज़न के कारण, और अराउंड 600 million पीपल फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज। और अगर आप दोस्तों वाटर क्राइसिस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, तो मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो ज़रूर वो भी देखें। और जहाँ तक दोस्तों अपने देश में फूड क्राइसिस की बात कर ली जाए, तो इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है, लेकिन साथ ही में पॉपुलेशन में भी सबसे टॉप पर है, जिस रीज़न के कारण दोस्तों वर्ल्ड के 33.3% बच्चे जो माल न्यूट्रिशन हैं वो इंडिया से हैं। वर्ल्ड के 1/3 बच्चे जो माल न्यूट्रिशन हैं वो इंडिया में ही हैं। और इंडिया तो भुखमरी को दोस्तों बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि अपने देश में बहुत बार सब्जियों के दाम 100 rupees पर kg को भी टच कर जाते हैं। और एक और रीज़न दोस्तों जो मुझे लगता है कि अनहैप्पीनेस का बहुत बड़ा रीज़न है इंडियंस में, कि इंडियंस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घंटे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास फ्री टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिया में वर्किंग आवर्स 48 hours a week से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच इज़ रफली इक्वल टू 7 hours a day।
वेयर एज चाइना में एक एवरेज वर्कर 46 आवर्स अ वीक काम करता है, यूके में 36 आवर्स अ वीक और यूएसए में 37 आवर्स अ वीक। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि इंडियंस बहुत ज़्यादा घंटे काम करते हैं। इन्हीं सब रीजंस के कारण दोस्तों इंडियंस में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स राइज करती हैं, जिन्हें मोस्ट ऑफ अस एड्रेस नहीं करना चाहते। WHO का कहना है कि अबाउट 7.5% इंडियंस किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, जो कि अब शायद 20% हो गया होगा। और ये मुझे कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि इंडिया वन ऑफ द डिप्रेस्ड कंट्रीज में से एक है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव भी यही था कि खुश रहना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आप एक एक्सरसाइज की तरह मान लें जो कि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, घूमें, आजकल तो नहीं क्योंकि, और कोई भी चीज़ दोस्तों आप एक्सेस में करते हैं, चाहे वो फिर आपका काम ही क्यों ना हो, वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा ही करेगा। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए, ज़रूरी ये है कि उन दिनों में हम कितने पल जिए। और वो शायर दोस्तों मैं ही हूँ। थैंक यू। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाना, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, यार सबके साथ शेयर करो। खुशियों वाली बात है, शेयर करो। जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा व्यूज़ पड़ेंगे और फिर YouTube। तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, इन्फॉर्मेटिव रहने को मैं हाजिर होता रहता हूँ। बीच बीच में गैप्स पड़ते रहते हैं लेकिन वीडियो ज़रूर आती रहेगी, ये पक्का है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने वाला, कर लो। और बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो मिलते हैं, धन्यवाद।